जय हिंद एवरीवन, आई एम कैडेट जानवी परनाटे ऑफ यशोतेज एकेडमी फ्रॉम ग्लैडिएटर्स बटालियन। सो टुडे आई वुड बी टेकिंग लेक्चर ऑन एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। तो मैं एसपीआर रिटन क्लियर हो तो मुझे पता है विच वन ऑफ द टॉपिक इज इम्पोर्टेंट, सो उसमें से यही एक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो इंट्रोडक्शन में अभी हम पढ़ने वाले एसिड बेस सॉल्ट क्या होता है, फिर उसके बाद उसके इंडिकेटर्स पढ़ने वाले कि कैसे वो डिटरमाइन होता है कि वो एक एसिड है या बेस है, फिर उसके बाद रिएक्शन, उनके रिएक्शंस, और फिर उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, पीएच का क्या इम्पोर्टेंस है, पीएच स्केल होती है अपनी उसमें से, फिर कॉमन सॉल्ट्स, और एट लास्ट हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस। सो इंट्रोडक्शन। सो एसिड्स क्या है? एसिड सोर होते हैं, मतलब खट्टा होता है, एंड दे चेंज द कलर फ्रॉम ब्लू लिटमस टू रेड, एंड बेसिस दे आर बिटर, कड़वा होता है, मतलब बेस कड़वा आता है, और दे चेंज कलर फ्रॉम रेड लिटमस टू ब्लू। नाउ एसिड्स दे प्रोड्यूस एच प्लस आयन, मतलब वो एच प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं, और बेसिस वो ओ एच माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं इन एक्विशियस सोल्यूशन। और लास्ट है बेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बेसिस होते हैं कौन से सोल्यूबल इन वॉटर होते हैं, मतलब वो मिक्स हो जाते हैं वॉटर के साथ, कौन से ही होते हैं, सब नहीं होते। सो जो कौन से होते हैं उनका नाम है अल्केली। सो बेसिकली द डेफिनेशन इज बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वॉटर, बट सम बेसिस विच आर ओनली सॉल्युबल दे आर कॉल्ड एज अल्केली, लाइक NaOH एंड KOH। एनीथिंग बिलो 7 इट इज एसिडिक, मतलब पीएच स्केल में जो 0 to 7 रहते हैं वो एसिडिक रहते हैं, और जो अबाउ इट 7 to 14 रहते हैं वो अल्कलाइन या बेसिक भाषा में बेसिक रहते। फिर जो अपने स्ट्रॉन्ग एसिड है, सो स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब क्या, जो जिनके मतलब पीएच स्केल 0 to 7 है पर वो बहुत स्ट्रांग है, लाइक उनमें एच प्लस आयन ज्यादा है, लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोडियोक एसिड, पेरोक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। फिर दूसरा है अपने वीक एसिड से, जो है सल्फरस एसिड, मेंटोनिक एसिड, नाइट्रस एसिड एंड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये फॉस्फोरिक एसिड। और सेम बेसिस में एक स्ट्रांग बेस रहता है, एक वीक बेस रहता है, जिसका पीएच मतलब 7 to 14 में तो ये सब रहते हैं, बट जिसका पीएच सबसे ज्यादा होता है और उनमें ओएच माइनस ज्यादा होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस, लाइक NaOH, LiOH, KOH, और जो वीक बेस है मतलब उनमें ओएच माइनस कम होते हैं। सो बेस्ट एग्जांपल इज लाइक HCl, वो सबसे अच्छा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, और सबसे वीक एसिड वो मेंशन नहीं किया मैंने, पर मैं मेंशन कर देती हूँ, दैट इज CH3COOH, दैट इज अपना एसिटिक एसिड। फिर नाउ इंडिकेटर्स, अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं? सो लिटमस, अपना लिटमस विच इज नेचुरल इंडिकेटर, वो एक पर्पल डाय, मतलब पर्पल कलर से बना हुआ है, और इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन, लिचन एंड दैट इज अ प्लांट बिलोंगिंग टू थैलोफेक्टा। दूसरा है अपने सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर्स मतलब मैन मेड इंडिकेटर्स, लाइक दे आर मिथिल ऑरेंज एंड फिनोफिथिलिन। दूसरा है ऑलिफैक्ट्री इंडिकेटर्स, ये सबसे इजी है, ऑलिफैक्ट्री अभी इंडिकेटर्स का काम क्या होता है, बताना कि एसिड है या बेस है। सो इसमें से ऑलिफैक्ट्री से क्या पता चलता है, लाइक वो अपने ऑर्डर चेंज करते हैं, अगर वो एसिडिक तो वो ऑर्डर बताते हैं, मतलब एज पर द ऑर्डर वो बताते हैं कि वो एसिड है या बेस है बेसिकली। फॉर एग्जाम्पल इट्स वैनिला, ओनियन एंड क्लोव। लास्टली है टर्मरिक, येलो कलर है, हम यूज करते हैं वो नॉर्मल, एक नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर है, and it changes its color from yellow to red orange when it is added to a basic solution। जब base में डालते हैं ना तब वो उसका natural color which is yellow वो change होता है red और orange में, and it stays yellow in acidic solution। like indicators अभी हम देखेंगे color change कैसे करते हैं, like blue litmus हुआ वो acid में red हो जाता है, basic में वैसे ही रहता है, red litmus acid में वो no change करता है और basic में वो blue बन जाता है, methyl orange which is orange in color itself वो एसिड में रेड हो जाता है और बेसिक में वो येलो हो जाता है। फिर है अपना फिनोफिथिलिन विच इज बेसिकली कलरलेस, वो कलरलेस होता है और जब एसिड में गया तो वो कलरलेस ही रहता है और बेसिक में गया तो वो रेड हो जाता है। फिर अपने रिएक्शंस, सो जब अपने एसिड मेटल के साथ रिएक्ट होता है वो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाता है, लाइक HCl विच इज एन हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो मेटल जिंक वो बनाता है ZnCl2, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। फिर उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एसिड और बेस, जब सॉल्ट और वाटर बनाते हैं इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि वो टोटली न्यूट्रलाइज करते हैं जब एसिड और बेस रिएक्ट होते हैं, लाइक HCl विच इज ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जब वो रिएक्ट किया तब H2O और एक सॉल्ट बना,
एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड, जब वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, सेम प्रोडक्ट्स आ रहे हैं सॉल्ट और वाटर। तो हम देख सकते हैं कि सॉल्ट और वाटर और सॉल्ट और वाटर इधर सेम है, एसिड एसिड भी सेम है, बस बेस और मेटल ऑक्साइड का फर्क आया। मतलब अपने जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक बेस जैसे एक्ट करते हैं, इसलिए वो सेम प्रोडक्ट्स निकाल रहे, राइट। और फिर उसके बाद है एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इट फॉर्म्स सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वो हमेशा जब एक एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट हुआ तो वो बनाता है सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अभी एसिड या बेस, यही एग्जांपल है, एसिड या बेस मेटल के साथ रिएक्ट हुआ तब वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते। उसके नॉर्मल डेली लाइफ एग्जाम्पल ये इधर, जब जिंक H2SO4 के साथ, ये आपके NCERT में भी होगा, जब जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट होता है तब ZnSO4 जिंक सल्फेट और H2 रिलीज करता है, सॉरी। और जब NaOH रिएक्ट करता है जिंक के साथ तब वो Na2ZnO2 बनाते हैं। इसको बेसिकली सोडियम जिंकेट बोलते हैं, सोडियम जिंकेट, और इसको H2O बोल, H2 रिलीज किया। देन दिस इज अवर pH स्केल। सो इससे पता चलता है कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेस। सो अगर हमने देखा 0 to 7 गए तो ये पूरा एसिडिक का मतलब पार्ट है, और 7 to 14 गए तो ये पूरा बेस है, और जब न्यूट्रल 7 होगा तब मतलब वो न्यूट्रल है। लाइक अगर हम 7 से नीचे के तरफ गए मतलब हमारा एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो 0 पे कौन सा भी सब्सटेंस रहेगा वो सबसे एसिडिक होगा, और जो यहाँ होगा 5, 6, 7 के पास वो वीक एसिडिक रहेगा। अगर हम 7 to 14 गए तो बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो 14 के पास वाला सब्सटेंस रहेगा वो बेसिक रहेगा, और जो मतलब 8, 9 रहेगा अप्रोक्स वो रहेगा मतलब वीक बेस। लाइक अभी देखो pH स्केल, इधर देखो HCl की 0 है, मतलब ये सबसे एसिडिक है। फिर स्टमक में जो गैस्ट्रिक जूसेस है, फिर लेमन वी हैव, विनेगर, वाइन, कॉफी, मिल्क एंड वाटर, जो वाटर तक है ना वो सब एसिडिक है, और जो वाटर के उस साइड है राइट हैंड साइड वो सब अपने बेसिक है, लाइक बेकिंग सोडा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अमोनिया, सोप, ब्लीचिंग एंड ड्रेन क्लीनर। अभी देखो इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन अवर डेली लाइफ, ये मोस्टली पूछा जाता है। सो लाइक अवर बॉडी pH रेंज इट इज बिटवीन 7 to 7.8, ये पूछा जाता है, लाइक 7 to 7.8 कैसे। हाँ सो ये 7 to 7.8 रहती है अवर बॉडी pH रेंज। देन अवर pH ऑफ रेन वाटर इज बिलो 5.6। अगर रेन वाटर की pH 5.6 के नीचे गई तो उसको बोलते हैं एसिड रेन, एसिडिक रेन बोलते हैं बेसिकली उसे। फिर जब स्टमक प्रोड्यूसेस HCl, दैट इज द हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच हेल्प्स इन डाइजेशन, पर कभी कभी वो इनडाइजेशन करता है और वो बहुत सारा HCl प्रोड्यूस करता है, और उस HCl के प्रोड्यूस प्रोडक्शन के वजह से बहुत पेन होने लगता है। तो फॉर न्यूट्रलाइजिंग इट, मतलब वो पेन को रिड्यूस करने के लिए हम बेसिस यूज करते हैं, मतलब जिससे वो न्यूट्रलाइज होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल उनको बोलते हैं एंटेसिड्स, और एग्जाम्पल है KOH एंड MgOH टिकेंट वाइज। MgOH टिकेंट वाइज मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, राइट। और आइडियल ऑफ pH फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इट इज फ्रॉम 6.3 to 7.3, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गुड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और अगर pH इज एसिडिक देन लाइम इज एडेड टू न्यूट्रलाइज इज एसिडिटी, मतलब बहुत ही एसिडिक हो गया तो लाइम ऐड किया जाता है एसिडिटी रिड्यूस करने के लिए, और जिप्सम ऐड किया जाता है समझो ज्यादा बेसिक हो गया तो। अभी ये नेचुरल ऑकरिंग एसिड्स है, मतलब इसमें एसिड पहले से ही प्रेजेंट रहता है, लाइक विनेगर में एसिटिक एसिड, ये सबसे वीक एसिड है, दैट इज CH3COOH, मैं लिख देती हूँ, हाँ, सो दैट इज CH3COOH। देन सोर मिल्क, दैट इज द लैक्टिक एसिड। Oranges and lemons, they are citric acid. Tamarind, it is tartaric acid. Anising, formic acid है. Apple में malic acid होता है, tomatoes में तो oxalic acid होता है। फिर अपने common salts, तो हम start करेंगे NaOH से, sodium hydroxide. अभी sodium hydroxide, it is commonly prepared by the electrolysis of brine solution. Brine solution मतलब अपना NaCl, अपना NaCl, एंड जब इस NaCl को इलेक्ट्रोलाइजिंग किया जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोरोअल्काली प्रोसेस, और इससे NaOH, Cl2 और H2 बनाया जाता है, लाइक दीज बोथ आर गैसेस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है। अभी हमेशा अपना जो हाइड्रोजन गैस होता है वो कैथोड पे निकलता है, और क्लोरीन जो गैस होता है वो हमेशा एनोड पे निकलता है। अभी इसके यूजेस का है, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में मदद करता है बनाने में, डिग्रेजिंग मेटल्स में, और पेपर मेकिंग और आर्टिफिशियल फाइबर्स में भी करता है। देन ब्लीचिंग पाउडर, सो ब्लीचिंग पाउडर इज सिंथेसाइज्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस, मतलब जो क्लोरीन गैस है
वो ड्राई स्लिट लाइम के साथ रिएक्ट हो गई तो वो ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। सो ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या है? सो इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग डर्टी क्लॉथ मटेरियल्स, क्लॉथ्स विच इज इन यूज एज इन लॉन्ड्री, और ऑल्सो एज अ ब्लीचिंग एजेंट फॉर कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑल्सो यूज एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीडाइजर के लिए भी यूज होता है, और डिसइनफेक्टेंट मतलब यूज इट विच इज यूज फॉर डिसइनफेक्टिंग वाटर ओनली, फॉर टू मेकिंग द पोर्टेबल वाटर, मतलब जो सब गंदा पानी होता है उसको अच्छा पोर्टेबल वाटर बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा मतलब NaHCO3, लाइक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। देखो अगर हमने सोडियम क्लोराइड को मतलब कॉमन सॉल्ट को अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो वो अपना बेकिंग सोडा बनाता है, और NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड बनाता है। इसके यूजेस क्या है? लाइक बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है, लाइक NaHCO3 बेकिंग सोडा हमने ये टार्टरिक एसिड के साथ मिक्स किया तो वो हमें बेकिंग पाउडर देता है। जो कोल्ड ड्रिंक्स हम रोज पीते हैं उसमें भी ये यूज किया जाता है। देन इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर ऑल्सो यूज एज एन एंटीसिड, लाइक हमने देखा था बेस यूज किया जाता है एंटीसिड में जब अपना स्टमक ज्यादा प्रोड्यूस करता है HCl तब। देन वी हैव वॉशिंग सोडा, भी इसमें नाम ही वॉशिंग है मतलब वॉशिंग के लिए ही यूज हुआ होगा। लाइक दिस इज अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, मतलब NaCl ओनली, एंड रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स अस वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा देता है, और ये एक बेसिक सॉल्ट है। फिर अभी ये किसके लिए यूज किया जाता है? इसका फॉर्मूला Na2CO3.10H2, अभी ये 10H2O क्या पानी है, बट दिस इज द वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसको बोलते हैं वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब वॉटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब बेसिकली क्या होता है, इसमें फिक्स्ड वॉटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं अपने मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साथ, मतलब Na2CO3 के साथ वो 10H2O रहेगा। लाइक दीज आर द वॉटर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन Na2CO3, मतलब इन वॉशिंग सोडा हम बोल सकते हैं। लाइक इट इज यूज इन लेबोरेटरी एजेंट, रिएजेंट रिमूविंग स्टेन्स, लाइक वॉशिंग है तो वॉशिंग के लिए यूज होगा, रिमूविंग फॉर द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वॉटर इसके लिए भी, देन ऑल्सो यूज इन टेक्सटाइल्स, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, हाँ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, पेपर एज वेल एज ग्लास, एंड एक कंपाउंड होता है सोडियम का दैट इज बोरेक्स, उसके लिए भी बनाने में ये यूज होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस हम रेगुलरली सुनते हैं ये POP, जब अपने हाथों को फ्रैक्चर होता है हाथ पैर को तब यही यूज किया जाता है। फिर नाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस, सो इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग ऑफ जिप्सम एट 393 के। अभी जिप्सम ये इसको हमने हीट किया 393 के पे, अभी इसके पास दो मतलब टू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, मोल्स है, दो वाटर के मोल्स है। अभी इसको हीट किया तब वो वाटर मॉलिक्यूल छोड़ देता है, लूज कर देता है, और CSO4.5H2O बनाता है। अभी देखो इसमें से पानी चला गया, आधा पानी इधर, आधा से आधा पानी इधर है और बाकी का पानी इधर है, सो बाकी का पानी अलग कर देता है और CSO4.5H2O बनाता है, और यही हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस, नहीं तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसके पास हाफ एच टू है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब वाटर के मोल्स, और इसके पास बस दो है, ज्यादा इससे हाँ। नाउ इट इज यूज वेर एज अ प्लास्टर फॉर द फ्रैक्चर्ड बोन्स एंड मेकिंग टॉयज, विच इज नॉर्मली यूज फॉर मटेरियल्स ऑल्सो, जो डेकोरेशन के लिए यूज किए जाते हैं। फिर नाउ लेट स्टार्ट विद सम ऑफ द क्वेश्चंस, अभी हमें पता है, लेट स्टार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, अभी स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? लेमन जूस तो हो ही नहीं सकता, मतलब वो एसिड है पर इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। CH3COOH ये एक वीक है, 2 मिनट। हाँ सो इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? अभी हमें पता है CH3COOH तो ये वीक एसिड है। फिर उसके बाद हमने देखा लेमन जूस, ये भी मतलब एसिड तो है पर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। प्योर मिल्क इट इज लाइक न्यूट्रल, फिर क्या होगा? HCl ही होगा, विच मैंने बताया था इसका जीरो रहता है pH, सो इट इज HCl। फिर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, रेड लिटमस ब्लू हो रहा है मतलब ये एक बेस है, सो हमें बेसिकली चेक करना है बेस क्या है, कौन सा बेस है, राइट। सो अभी लेमन जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स तो ये बेस तो नहीं है, विनेगर भी नहीं चे, सो अपना आंसर है बेकिंग सोडा, बेकिंग सॉल्ट। नाउ द डिफरेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन जिप्सम और पीओपी, अभी देखो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पूछ रहे और डिफरेंस क्या होगा। अभी हमारे जिप्सम में दो वाटर के मॉलिक्यूल्स रहते और पीओपी में हाफ रहते, सो उनने पूछा इसका डिफरेंस, तो ये
जिप्सम में रहता है और ये रहता है अपने पीओपी में, इसका सब्ट्रैक्शन किया तो क्या आएगा, 4 - 1/2, सो ये आ जाएगा 3/2, सो द आंसर इज 3/2। सो मिथिल ऑरेंज, हमने वो स्लाइड की थी जिसमें हर एक इंडिकेटर चेंज कर रहा है उसके कलर एज पर द एसिड एंड बेसिक मीडिया, तो एज पर एसिडिक मीडिया मिथिल ऑरेंज वो रेड बनाता है इन एन एसिडिक मीडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मतलब इसके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है। अभी देखो जिप्सम में हमने पढ़ा था जिप्सम के पास है, वॉशिंग सोडा के पास भी है, वॉशिंग सोडा का है Na2CO3.10H2 इसके पास, फिर उसके पास जिप्सम के पास भी है CSO4.2H2, मतलब बेकिंग सोडा, अगर हमने बेकिंग सोडा का देखा NaHCO3 है, NaHCO3 है मतलब इसमें वाटर तो है ही नहीं, तो NaHCO3 इज द आंसर। नाउ विनेगर इज यूज इन पिकलिंग एज इट प्रिवेंट्स ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स लाइक, सो आंसर इज डी। When sodium hydroxide reacts with zinc, अभी sodium hydroxide है NaOH, reacts with zinc, it forms Na2ZnO2 plus hydrogen gas। जब भी एक sodium hydroxide मतलब base react with metal, it forms a salt that is sodium zincate and hydrogen gas is released। The reaction between acid and base, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर, इट इज कॉल्ड, नाउ अभी इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंटासिड, इट इज अ वीक बेस, ये हमको पता है। नाउ एसिड, जब अपना एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ वो हमेशा एक सॉल्ट बनाता है, सॉल्ट तो बनाता है बट विच गैस इज मतलब लिबरेट आउट, दैट इज H2 गैस, सो द आंसर इज हाइड्रोजन। लिटमस, इट इज अ पर्पल डाई, ये नेचुरल इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर है, इट इज फ्रॉम पर्पल डाई से निकाला जाता है एंड लिचन से भी निकाला जाता है एंड दैट इज अ प्लांट बिलोंगिंग टू थैलोफेप्टा, सो आंसर इज पर्पल। एसिड, एसिड क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड इट प्रोड्यूसेस H+ आयन, हमने सबसे फर्स्ट स्लाइड में की थी, और बेसिस, बेसिस क्या प्रोड्यूस करते हैं, OH- ऑफकोर्स OH-, सो आंसर इज H+ आयन। बेसिस विच आर सॉल्यूबल इन वॉटर, बेसिस जो सोल्यूबल इन वॉटर है लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया था मैंने एग्जाम्पल, पर वो नहीं है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, एंटासिड्स है, सो द आंसर इज अल्कली ओवर हियर, बिकॉज जो मिक्स मतलब वॉटर में सोल्यूबल होता है दैट इज अल्कली। इन क्लोरो अल्कली प्रोसेस द बाय प्रोडक्ट आर, सो क्लोरो अल्कली प्रोसेस मतलब ब्राइन सोल्यूशन, वो बनाता है हमें NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और फिर अपना Cl2 हाइड्रोजन गैस भी बनाता है और Cl2 भी बनाता है, सो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज द आंसर। पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इट इज 10, राइट, एंड व्हेन ये स्लाइड, ये क्वेश्चन है नेचुरल ऑकरिंग एसिड में से विच एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो, अभी लैक्टिस एसिड इट इज प्रेजेंट इन मिल्क, सिट्रिक एसिड लेमन टोमेटोज में प्रेजेंट होता है, सो आंसर इज ऑक्सैलिक एसिड। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 .10HCl किसका है, वॉशिंग सोडा का है, राइट, सो जब ये HCl के साथ रिएक्ट होंगे ये बनाएंगे कौन सा, तो भी सॉल्ट दैट इज NaCl, CO2 रिलीज करेंगे और H2O रिलीज करेंगे, सो इनने पूछा है प्रोड्यूसेस व्हाट, सो तीनों ऑप्शन है, सो ऑल ऑफ दीज। सो आज का सफर यहाँ तक ही था, थैंक यू एंड जय हिंद।